तो पोके फैंस, आप लोग शिपिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। तो शिपिंग एक ऐसा चीज़ है जो हम पोकेमॉन में ढूंढते रहते हैं, क्योंकि शिपिंग ही एक ऐसा चीज़ है जो पोकेमॉन को बहुत पॉपुलर रेटिंग देता है। एंड 20 साल की जर्नी में हमें बहुत सारा शिपिंग पोकेमॉन में देखने को मिला है। तो उन सारी शिपिंग को ही हम बेस्ट 5 में काउंट करेंगे, एंड कौन सा शिपिंग है बेस्ट वो भी आज हम देखेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए आज के इस रोमांटिक वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोफेसर बर्नेट एंड कुकुई। तो इन दोनों की जोड़ी हमें ओलोला रीजन में देखने को मिला था, एंड रियली इन दोनों के बीच जो रोमांटिक सीन हुआ था वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। खासकर वो बीच वाला सीन, वो प्रपोजल वाला सीन, तो वही शायद पोकेमॉन एनिमे का सबसे पहला प्रपोजल वाला सीन था। एंड इन दोनों की ही एनिमे में सबसे पहले शादी हुई है होते हुए दिखाया गया है। एस जब फिर से ओलोला रीजन जाता है तो इन दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे रीज़न हैं इन दोनों को इस लिस्ट में रखने का। तो आगे बढ़ते हैं, एंड इसके बाद आता है कॉन्टेस्ट शिपिंग, मतलब मे और ड्रीव का जोड़ी। तो दोनों का मुलाकात एक कॉन्टेस्ट में ही होता है, एंड मे जो होती है वो ड्रीव को एक अपना राइवल भी मानती है, एंड ड्रीव को दिल में पसंद भी करने लगती है, एंड ड्रीव भी जर्नी जितनी आगे बढ़ती है मे को पसंद करने लगती है। एंड लिटरली मे तो एंड में ड्रीव के साथ जाने का फैसला करती है ऐश को छोड़कर जोटो कॉन्टेस्ट में। तो इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो इसके बाद आता है पोके शिपिंग, यानी एस और मिस्टी का शिपिंग। तो ये सबसे पहला शिपिंग था एनिमे का, एंड हमें ये शिपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों ने कहीं ना कहीं अपना फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर तो नहीं किया, लेकिन हमें दिखा दिया गया कि हाँ, इन दोनों के बीच कुछ तो है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये शिपिंग हमारे लिस्ट में आता है। एंड इसके बाद आता है अमर शिपिंग। तो आई नो अमर शिपिंग का फैंस की कमी नहीं होगी, क्योंकि अमर शिपिंग एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर शिपिंग है। या एस एंड शरीना, तो दोनों का जो बॉन्ड है वो तो एनिमे में हमें देखा जा चुका है। दोनों की बैक स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी, एंड इसी कारण से ये शिपिंग हमें बहुत पसंद है। एंड एंड में जो किस किया भाई, ये शिपिंग तो वही बेस्ट बन गया था। तो नंबर 1 पर कोई और ही शिपिंग है, एंड वो है रॉकेट शिपिंग, मतलब जेम्स और जेसी। तो इन दोनों को फर्स्ट में रखने का सबसे पहला कारण ये है कि ये शुरुआत से अभी तक एक साथ है, मतलब कोई भी शिपिंग इतनी देर तक नहीं टिका है जितना रॉकेट शिपिंग टिका है। एंड बहुत बार देखा गया है कि जेसी के लिए जेम्स के दिल में कुछ है, या फिर जेम्स के लिए जेसी के दिल में है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड अगर हम मांगा के हिसाब से चले तो इन दोनों की शादी भी हो गई है, एंड हमारी जेसी जो है वो प्रेग्नेंट भी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की शिपिंग सबसे बेस्ट है, सो दैट्स वाई रॉकेट शिपिंग सबसे पहले आता है। आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो ख़त्म हो गया है, और तब तक के लिए ख़त्म, बाय बाय, टाटा।